नमस्कार दोस्तों, देश का एक मुख्य उत्सव और महाराष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार गणेश चतुर्थी आने वाला है। ये ऐसा त्योहार है जिसकी तैयारी महाराष्ट्र में महीने भर पहले से हो जाती है। जगह जगह भगवान गणेश के बड़े पंडाल लगते हैं, भगवान के भोज की तैयारियां हो जाती हैं और लड्डू के साथ बनते हैं उनके प्रिय मोदक। जी हाँ, मोदक एक महाराष्ट्रीय मिठाई है जिसे खास तौर पर इसी उत्सव के लिए बनाया जाता है। लड्डू तक तो ठीक है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मोदक कैसे बनाए गए होंगे? आखिर भगवान गणेश को ये मिठाई क्यों पसंद है? ऐसा माना जाता है कि बिना मोदक के उनकी पूजा पूरी नहीं हो सकती। तो आइए इस वीडियो में आज हम जानते हैं कि मोदक और भगवान गणेश का क्या संबंध है। दोस्तों, हिंदू पुराणों के मुताबिक ये मिठाई भगवान गणेश को बेहद प्रिय है। पुराणों के मुताबिक देवी अनुसुया ने भगवान शिव को परिवार सहित अपने यहाँ खाने पर बुलाया था। इस निमंत्रण में भगवान शिव परिवार के साथ पहुँचे। देवी अनुसुया ने सभी से आग्रह किया कि जब गणपति बप्पा अपना खाना समाप्त करें, तभी सब भोज पर बैठे। लेकिन छोटे से गणपति बार बार खाना मंगवाते रहे। ये देख माँ पार्वती ने खाने के बाद उन्हें एक मोदक दिया, जिसे खाते ही गणपति बप्पा ने लंबी सी डकार ली। इतना ही नहीं, भगवान शिव ने भी इसके बाद 21 बार डकार ली। माँ पार्वती ने देवी अनुसुईया से आग्रह किया कि अब वो अपने बाकी मेहमानों को भोज के लिए बैठा सकती हैं, क्योंकि गणेश जी तृप्त हो चुके हैं। देवी अनुसुईया ये देख हैरान हुई और उन्होंने इसकी विधि माँ पार्वती से मांगी। इसके बाद पार्वती जी ने अनुरोध किया कि उनके पुत्र के सभी भक्त उन्हें 21 मोदक अर्पित करेंगे तो भगवान खुश होंगे और उनकी मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, भारत में कई तरह से मोदक बनाए जाते हैं और इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इसके सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले वर्जन को उकडीचे मोदक कहा जाता है, जिसे घी के साथ गर्मा गर्म खाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मोदक की उत्पत्ति महाराष्ट्र में हुई, लेकिन इसे कैसे बनाया गया और किसने बनाया, इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। भारत में इसके कई नाम हैं, जैसे तमिल में इसे मोथागम या कोजू कट्टई कहा जाता है, तेलुगु में इसे कुदुम कहते हैं और कन्नड़ में मोधका या कडुबू नाम से जाना जाता है। इसे खास तौर से गणेश चतुर्थी के दौरान बनाया जाता है। ये गुड़, ताजा कसा हुआ नारियल, सूखे फल और मीठे हल्के मसालों से भरा हुआ एक स्वीट डंपलिंग है। इसका बाहरी शेल सॉफ्ट होता है, जो चावल के आटे या गेहूं के आटे में मैदा मिलाकर बनाया जाता है और अंदर तमाम फिलिंग्स भरी जाती है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत में इसे अलग तरह से बनाया जाता है, इसके साइज, आकार और स्वाद में भी काफी डिफरेंस होती है। मोदक का सबसे पारंपरिक रूप स्टीम मोदक है, जो चावल के आटे से बनाया जाता है और नारियल, गुड़ और मसालों के मिक्सचर से भरा होता है। इसी तरह डीप फ्राई मोदक भी काफी लोकप्रिय होता है। इतना ही नहीं, मीठा खाने के शौकीन लोगों के लिए चॉकलेट मोदक, मावा मोदक और अलग अलग स्वाद जैसे आम, नुटेला और यहाँ तक कि आइसक्रीम मोदक तक अब बाजार में उपलब्ध है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि मोदक से जुड़ी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस बार भगवान गणेश का स्वागत तरह तरह के मोदकों से करें, साथ ही आप भी इनका मजा लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़े रहें फूडी के साथ। धन्यवाद।